कोई और जगह नहीं मिली उस शकुरा को इस बानी के साथ यहाँ बुलाने के लिए? चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो। बकवास कर रही हो। ग्यारह बज गए, 10 बजे तक का टाइम दिया था उसे। अरे कुछ लोगों को वक्त लगता है तैयार होने में, सब तुम्हारी तरह थोड़ी होते हैं कि मुंह धोए बिना ही चले आए। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात कान खोल के सुनो। जैसी बानी यहाँ पे पचेगी पतली गली से निकल लेना, मुझे यहाँ फालतू लोग नहीं चाहिए। जरूरत होगी तो बुला लूंगा, समझी? पहले वो यहाँ आए तो फिर अपने सब्ज बाग लगाना। हाँ बोलो। वो दोनों नहीं है यहाँ पे। क्या? अरे कहाँ है वो दोनों? मुझे नहीं पता। तो किसे बताए? क्या हुआ? मैं इस वक्त वीर के कमरे में हूँ। ना बानी इधर है ना वो शकुरा, ना जाने कहाँ गायब हो गए दोनों। तुमने पूरे घर में चेक किया? हाँ हाँ, मैंने सब चेक कर लिया, सब चेक कर लिया, इसलिए तो तुम्हें फोन किया। पर ठीक है ना, वो शकुरा जा भी कहाँ सकता है। तुम एक काम करो, वो जो सुनहरी चाबी है उसे इस्तेमाल करो, उसके जरिए बुला उसे। सही कह रहा है शुक्ला, जल्दी वो सुनहरी चाबी निकालो। अब ये मत कहना कि तुमने वो चाबी शकुरा को दे दी। Are you serious? तुमने सच में वो चाबी शकुरा को दे दी? बात नहीं, तो क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे धमका रहा था कि जाके मेरी सारी सच्चाई बाली को बता देगा। मुझे लगा उसकी बात मानूंगा तो हमारी बात मानेगा, हमारा आखिरी काम कर देगा। तुम सबसे बड़े बेवकूफ मूर्ख हो। यही मेरा मतलब था सब्ज बाग लगाने, हवा महल बनाने से। सारे केकर पर पानी फेर दिया ना, अब नहीं जानते वो शकुरा उस बानी को कहाँ लेके गया है। आखिर वो उसे लेके कहाँ गया होगा, उसे चाहिए क्या? गुड न्यूज, ये तो सिर्फ शकुरा ही जानता है। लेकिन मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? ये जगह कौन सी है भगवान? नहीं, यहां कोई गड़बड़ है, ये जगह ठीक नहीं है। मेरी बात सुनो, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ और आप लोग सब कौन हैं? मैंने आप लोगों को पहले कभी नहीं, आप जाग गई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मालिक को अच्छा नहीं लगेगा। कौन मालिक? ये क्या बोल रही हो तुम? प्लीज मुझे बताओ ये जगह कौन सी है, ये सब चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा कुछ? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे ये क्या, दुल्हन तो जाग गई, इसको वापस कमरे में लेकर जाओ वरना ना मालिक। क्या मालिक? बहुत क्या मालिक, मालिक मालिक लगा रखा है तुमने। मैं तुम्हारे मालिक को नहीं जानती, कोई भी मालिक को नहीं जानती मैं, और ना ही मैं किसी के गुलाम हूँ। मुझे जाना है यहाँ से। अरे रुको, इसे मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, सुना तुम लोगों ने? मैं तो तुम्हें टच कर सकता हूँ ना, राइट? तो क्या कह रही थी?
यहां से भाग के चली जाओगी? इस दरवाजे से तो भाग जाओगी स्वीटहार्ट, लेकिन इस फौलादी दीवार से कैसे भागोगी? ये सब तुमने किया ना? तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो, मुझे बेहोश किया, हिम्मत कैसे है तुम्हारी? हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ ना, शादी की उम्र हो गई मेरी और आधा काम तुमने आसान कर दिया। मेरा दिल लेके अब 24 घंटे से तुम यहाँ रह रही हो सुकून से। शादी के बाद भी हम यही रहेंगे, ओके? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? क्यों नहीं कर सकती? नहीं। मगर क्यों? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन तुम अपने पति से नफरत करती हो, उस वीरांशु सिंघानिया से, राइट? इसलिए प्यार से तुमने मेरा स्वागत भी नहीं किया, हाँ? ये फिक्र मत करो, मैं तो असली हूँ, शकुरा, ये मेरा असली नाम है। लेकिन ये ज़्यादा ना, ये असली नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ सूट करता है, इसलिए इसे मैं नहीं बदलूंगा, ओके? शादी का जोड़ा कैसा लगा तुम्हें? बहरे हो गए हो तुम, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो फिर तुम मेरे पास बस एक ही रास्ता छोड़ते हो। और तुम भी मेरे पास एक ही रास्ता छोड़ती हो। ये क्या कर रहा है ये? मीरा, ये हो क्या रहा है बाहर? वो औरत कौन है? और वो आदमी तो मैनेजर है ना? माँ पापा, आप लोग यहीं रुकिएगा और एक शब्द मत कहिएगा। मीरा, वो लोग हमें मारने आए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, आप लोग बस यहीं रहिए। मैं एक देख को फोन करूँ, वो पुणे से आ गए तो। माँ, मैं हैंडल कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ। हाँ, कुछ नहीं होगा, आप लोग यहीं रहिएगा बस। मीरा, कहाँ है वो? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना, मुझे नहीं पता। मयूरी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, यहाँ टाइम पास करना बंद करो और मेरी मदद करो, ढूंढो उसे। पर मैं बता रही हूँ ना कि वो यहाँ आई ही नहीं है। मेरी बात तो सुनो, बानी यहाँ नहीं आई है। शिट, damn it, तुम हो कहाँ बानी? मैं तुम्हें अंदर आके भी नहीं ढूंढ सकता, ना मीरा को पता चल जाएगा मैं इन लोगों के साथ मिला हुआ। मैंने कहा था ना कि बानी यहाँ आई ही नहीं थी। ये सही कह रही है, वो यहाँ नहीं है। फोन तो किया होगा उसने, कुछ तो बताया होगा कि कहाँ गई है, कब आएगी। उसने सिर्फ इतना बताया था कि सिंघानिया मैंशन में जो आदमी है वो वीरांशु नहीं है, कोई पैरोकी है। ये ऐसे नहीं मानेगी, जब तक अपनी माँ और बहन की लाश नहीं देख लेगी तब तक अपना मुंह नहीं खोलेगी। रुकिए 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 प्लीज, वो लोग आपकी जाती हुई शक्तियों के बारे में नहीं जानते, सिर्फ मैं जानती हूँ। उन्हें प्लीज कोई नुकसान मत पहुँचाइए, प्लीज मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। सच सच बता, कहाँ है बानी? क्या पता है तुझे उसके बारे में? मुझे बस इतना पता है कि उसने कहा था कि वो आधी रात को आएगी। तब आप लोग उससे बात कर लीजिएगा। ग्रेट, आधी रात में बहुत कम वक्त बचा है। 11:40 तो हो चुके, चलो तो भाग जाके उसका इंतजार करते। अगर मुझसे होशियारी करने की जरा सी भी कोशिश की तेरे लिए और तेरी प्यारी बहन पानी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैंने बोल तो दिया कि बहुत ही रात को आएगी, लेकिन अगर पानी नहीं आई तो
Ha ha ha.